कहानी की शुरुआत में हम 1963 के समय का मेक्सिको को देखते हैं, जहां कुछ मजदूर खुदाई करके वहां से बॉक्स निकाल रहे थे। फिर हमें एक वॉल दिखाई जाती है जिसमें बहुत सारे बटरफ्लाई बैठे हुए थे। अब हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने रूम में फ़ोन पर बातें कर रही थी। तभी वो देखती है कि उसके रूम में किसी के पैर के निशान बन रहे हैं, लेकिन वहाँ पर उसके सिवा कोई भी नहीं था। इसलिए वो बहुत ही डर जाती है और रूम से बाहर आ जाती है। वहाँ आकर उसकी नज़र एक बॉक्स पर जाती है। ये वही बॉक्स था जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। तभी उसे कोई पीछे से खींच के ले जाता है। इसके बाद हम एक बिल्डिंग को देखते हैं जो दिखने में बहुत ही भयानक लग रही थी। ये वही बिल्डिंग है जहाँ से कोई उस लड़की को खींच के ले गया था। अब हम एम्बर को देखते हैं जो चोरी चुपके अभी अभी अमेरिका में आई थी, इसलिए इसके पास उसकी आईडी नहीं होती और इसी वजह से किसी भी होटल में उसे रूम नहीं मिलता। एम्बर एक सिलाई करने वाली फैक्ट्री में काम करती है। वहीं पर वो एक ऐड देखती है जिस पर लिखा था कि हम बहुत ही कम रेट में आपको एक रूम देंगे और यहाँ पर सिर्फ लड़कियाँ ही रह सकती है। फिर फैक्ट्री में एम्बर की दोस्ती एक लड़की से हो जाती है। दूसरे दिन एम्बर वो ऐड वाले एड्रेस पर पहुंच जाती है। ये वही बिल्डिंग है जहां से कोई उस लड़की को खींच के ले गया था, जहां उसे बिल्डिंग का मालिक मिलता है जिसका नाम रेड है। एम्बर उसे पूछती है कि और कौन कौन यहां पर रहता है। तब रेड उसे कहता है कि यहां पर तुम्हारे सिवा सिर्फ एक लड़की रहती है और वो तुम्हारे रूम के सामने वाले रूम में रहती है। अब रेड एम्बर से एक महीने का रेंट ले लेता है एज ए डिपॉजिट, और वो एम्बर से कहता है कि रात को जल्दी आ जाना और यहाँ पर ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना कुछ भी अलाउ नहीं है। अब एम्बर उसकी सारी बातों को मान लेती है और उस रूम में शिफ्ट हो जाती है। रात को जब वो सोने जाती है तब वो देखती है कि उसके रूम के फ्लोर पर एक छोटी सी विंडो बनी हुई है जिसका रास्ता बेसमेंट की तरफ जा रहा था, और यहाँ से रात के समय औरतों के रोने की और चिल्लाने की आवाज़ आती है। एम्बर को ये चीज़ काफ़ी अजीब लगती है और रात को सोते वक्त वो इस बात को बहुत सोचती भी है। यहाँ पर हमें ये समझ में आ जाता है कि एम्बर की मदर की तबीयत काफ़ी ख़राब है और इसीलिए वो काम की तलाश में चोरी चुपके यहाँ अमेरिका में आई है ताकि वो कुछ पैसे कमा कर अपनी मदर का इलाज करवा सके। दूसरे दिन एम्बर उस लड़की से मिलती है जो इस बिल्डिंग में उसके साथ रहती है। वो उसे बताती है कि इस बिल्डिंग का मालिक रेड बहुत ही बुरा आदमी है, उससे बचकर रहना, इतना कहकर वो चली जाती है। इसके बाद एम्बर अपने एक अंकल के घर जाती है जहाँ उसके अंकल कहते हैं कि अगली बार तुम अपनी आईडी अपने साथ लाना, मैं तुम्हारी जॉब लगवा दूंगा। असल में एम्बर के अंकल को पता ही नहीं है कि एम्बर के पास आईडी है ही नहीं। फिर एम्बर वापस होटल में पहुंचती है। उसे बेसमेंट में अजीब आवाज़ें सुनाई देती है, इसीलिए वो चेक करने वहां पर जाती है। तभी वहां पर रेड आ जाता है और वो एम्बर को कहता है कि बेसमेंट में जाना अलाउ नहीं है। यहां पर एम्बर को एक रूम भी दिखता है जिसमें अजीब अजीब चीज़ें रखी हुई थी। अब ये वाला रूम वही रूम होता है जिसमें बहुत सारे बटरफ्लाई थे। अब एम्बर रेड से अपने डिपॉजिट के पैसे वापस मांगती है क्योंकि वो अब इस जगह पर रहना नहीं चाहती। वो रेड से कहती है कि मैं जितने दिन यहाँ पर रही उतने पैसे तुम काट लो और बाकी के पैसे मुझे वापस लौटा दो क्योंकि मुझे आईडी बनवानी है। पर रेड उसे मना कर देता है और कहता है कि वो पैसे मेरे से खर्च हो गए हैं और फिलहाल के लिए मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है। अब एम्बर खुद के पास रखे हुए पैसे गिनने लगती है और पाती है कि उसके पास तो बहुत ही कम पैसे हैं। इसके बाद एम्बर सामने वाली लड़की के रूम में जाती है जहाँ पर एक परछाई खड़ी हुई है और उसकी आंखें चमक रही है जो दिखने में बहुत ही खौफनाक लग रही थी। इसके बाद एम्बर किचन में जाकर अपनी आंखें बंद करके अपनी मदर के बारे में सोचने लगती है। उसकी मदर उससे बातें कर रही होती है। तभी एम्बर की नज़र कोने में रखे हुए बॉक्स पर जाती है जिसके अंदर से हाथ निकलते हुए दिखाई देते हैं। तभी एम्बर की डर के मारे नींद खुल जाती है। दरअसल ये एम्बर का एक डरावना सपना था। दूसरे दिन एम्बर अपने बॉस से एडवांस मांगती है। तब उसका बॉस ये कहकर उसे मना कर देता है कि तुम काम बहुत ही स्लो करती हो, और वो उसे सिलाई के काम से हटाकर पैकिंग के काम में लगा देता है। फिर एम्बर और उसकी दोस्त एक कैफे में बैठे होते हैं जहाँ पर एम्बर अपने सारे पैसे अपने दोस्त को देते हुए कहती है कि प्लीज़ कैसे भी करके मेरी आईडी बनवा दो। अब एम्बर को होटल पहुँचते बहुत देर हो जाती है। जब वो होटल में जाती है तो उसे बहुत अजीब फील होता है। वो देखती है कि एक आदमी वहाँ दीवार पर अपना सर पटक रहा है, लेकिन एम्बर उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद एम्बर वहाँ पर आई हुई दो नई लड़कियों से मिलती है। वो तीनों आपस में बातें करने लगते हैं और साथ में स्मोकिंग करने लगते हैं। तभी रेड वहाँ पर आ जाता है और वो उन लड़कियों को वहाँ से भगा देता है। यहाँ पर एम्बर रेड से पूछती है कि तुमने तो मुझे कहा था कि यहाँ पर कोई भी लड़का अलाउ नहीं है, फिर वो आदमी कौन है जो नीचे दीवार में अपना सर पटक रहा है। तब रेड उसे बताता है कि वो मेरा भाई है जो थोड़ा पागल सा है। अब उसी रात एम्बर उस अजीब से रूम में चली जाती है जहाँ पर रखी हुई चीज़ें देखकर वो हैरान हो जाती है, जैसे कि किसी को टॉर्चर करने के तरीके, काला जादू से रिलेटेड कुछ चीज़ें और साथ में वो चीज़ें जो पुराने ज़माने में खुदाई करने पर मिलती थी। दूसरे दिन एम्बर अपने दोस्त को फ़ोन करती है, लेकिन उसकी दोस्त उसके फ़ोन को उठा नहीं रही थी। इसलिए एम्बर अपने बॉस से अपने दोस्त के बारे में पूछती है। तब उसे पता चलता है कि वो तो कब की जॉब छोड़ के चली गई है। अब एम्बर समझ जाती है कि उसकी फ्रेंड ने उसके साथ धोखा किया है, वो उसके सारे पैसे लेकर भाग गई है।
फिर वो जब वापस अपने होटल आती है तो उसे फिर से औरतों के चिल्लाने की और रोने की आवाज़ सुनाई देती है। एम्बर को कुछ भी समझ में नहीं आता था कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर वो रेड से पूछने जाती है कि वो लड़की कहाँ गई जो सामने वाले रूम में रहती थी। तब रेड उसे कहता है कि वो तो कब की चली गई। फिर एम्बर अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद एम्बर वहाँ पर एक लड़की और एक औरत को देखती है। वो दोनों ही असल में आत्माएं होती है। वो जो लड़की होती है वो एम्बर से मदद मांग रही होती है। एम्बर सोच में पड़ जाती है, तभी कोई उस लड़की को खींच के ले जाता है। ये देख एम्बर समझ जाती है कि यहाँ पर आत्माएं रहती है। अब इन सब बातों से एम्बर बहुत ही डर जाती है, इसलिए वो अपना सामान पैक करके रेड से अपने डिपॉजिट के पैसे मांगने जाती है। तब उसे वहाँ पर रेड की जगह उसका पागल भाई मिल जाता है। वो एम्बर से कहता है कि रेड यहाँ पर नहीं है। इसके बाद एम्बर अपना पूरा सामान लेकर दूसरी होटल में जाती है, पर उसके पास पैसे न होने की वजह से उसे कोई भी रूम नहीं मिलता। फिर वो रेड को फ़ोन करके कहती है कि प्लीज़ मुझे मेरे पैसे लौटा दो, मुझे पैसों की बहुत ही ज़रूरत है। अब एम्बर एक कैफ़े में होती है, तभी रेड भी वहाँ पर आ जाता है। वो उसे थोड़े से पैसे दे देता है और कहता है कि बाकी के पैसे मैं तुम्हें होटल जाकर दूंगा, क्योंकि बाकी के पैसे वहाँ पर रखे हुए हैं। फिर वो एम्बर को लेकर वापस होटल में आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे बाकी के पैसे रूम में हैं, जाकर तुम ले लो। पर जब एम्बर रूम में जाती है और पैसे ढूंढती है तो उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। और तभी वहाँ पीछे से रेड आ जाता है और वो जबरदस्ती एम्बर को वाइन पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन एम्बर उसे ऐसा करने से मना करती है। तभी अचानक वहाँ पर रेड का वो पागल भाई भी आ जाता है और वो जबरदस्ती एम्बर को वाइन पिला देता है और साथ साथ वो उसे मारता भी है। अब एम्बर यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं पाती कि आखिर वो दो भाई उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं और आखिर वो उससे क्या चाहते हैं। वो इस सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। अब यहाँ पर वो जो दो नई लड़कियाँ आई थी वो भी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो एम्बर के रूम में ही सो जाती है। जब ये तीनों सो रही होती है तब एम्बर को बहुत अजीब से डरावने सपने आने लगते हैं। फिर वो तीनों लड़कियाँ ही जाग जाती है। वो लड़कियाँ एम्बर को बताती है कि हमें हमारे सपनों में एक बॉक्स दिखाई देता है। तब एम्बर कहती है कि मुझे भी सपने में बॉक्स दिखाई देता है। अब यहाँ पर हमें समझ में आता है कि उनके सपने आपस में कनेक्ट है और यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो उस बॉक्स से रिलेटेड है। यहाँ पर हमें ये भी पता चल जाता है कि मूवी की शुरुआत में जो लड़की गायब हुई थी वो भी इस बॉक्स की वजह से ही गायब हुई थी। अब होटल के बाहर एम्बर के अंकल भी आ जाते हैं। रेड उन्हें कहता है कि यहाँ कोई एम्बर नाम की लड़की नहीं रहती। तब अंकल उससे कहते हैं कि नहीं, वो यहाँ पर ही रहती है, उसने मुझे यहीं का एड्रेस दिया था। इतना कहकर वो रेड को धक्का मार के होटल के अंदर आ जाते हैं। अंदर जाकर वो एम्बर के रूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी रेड का भाई उनके पीछे से आकर उन पर हमला कर देता है और वो उन्हें इतना मारता है कि बेचारे एम्बर के अंकल अपना दम तोड़ देते हैं। इसके बाद वो तीन लड़कियों को एक रूम में ले जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी लड़कियों की लाशें पड़ी हुई थी और उन्होंने अजीब किस्म के कपड़े पहने हुए हैं और ये वही कपड़े होते हैं जो उन आत्माओं ने भी पहने हुए थे जो एम्बर को नजर आई थी। वो इन तीनों को भी वही कपड़े पहना देते हैं। फिर रेड एम्बर की बॉडी पर कुछ लगाता है, तब एम्बर खुद को आज़ाद करने के लिए कहती है, पर रेड उसे ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरा भाई उस बॉक्स की वजह से ये सब कुछ कर रहा है। पहले मेरे फादर ये सब किया करते थे पर अब ये मेरा भाई करता है, उसने हमारी मदर के साथ भी ऐसा ही किया था और तुम्हारे साथ भी अब बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। इसके बाद रेड का भाई एम्बर को उठा के बेसमेंट में ले जाता है। रास्ते में जाते जाते एम्बर को बहुत सारी आत्माएं दिखती है और उन्होंने भी बिल्कुल वही कपड़े पहने हुए थे और साथ साथ उनकी आंखें भी चमक रही थी। बेसमेंट में बहुत सारी कैंडल्स जली हुई थी और बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी, लेकिन उन लाशों के सर नहीं थे। फिर रेड का भाई एम्बर को वहीं एक जगह पर लेटा देता है और सामने एक बॉक्स होता है। ये वही बॉक्स है जो सबके सपनों में आ रहा था। फिर रेड का भाई वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी एम्बर के अंकल वहाँ पर आकर उसे छुड़ा लेते हैं और उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं। फिर वो दोनों एक अंधेरे वाले रूम में पहुँच जाते हैं। अब एम्बर को दिखाई देता है कि वो अपनी मदर के साथ है। अब यहाँ पर हमें लगता है कि एम्बर के अंकल तो मर चुके थे, तो फिर उसे बचाने कौन आया था? असल में कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं आया था, ये सिर्फ उसका एक भ्रम था। और यहाँ पर वो अपनी मदर के साथ है, पर रियलिटी में वो अभी भी उसी बेसमेंट में लेटी हुई है। तभी अचानक उस बॉक्स में से काफ़ी अजीब सा एक क्रिएचर बाहर निकलता है। वो धीरे धीरे एम्बर की तरफ बढ़ रहा होता है। यहाँ सपने में एम्बर देखती है कि उसने एक पिलर से अपनी मदर का मुंह दबाकर उन्हें मार दिया है और रियलिटी में जब एम्बर उठती है तो वो क्रिएचर भी यहाँ से गायब होता है। फिर एम्बर वापस उस रूम में जाकर वहाँ से एक हथियार उठा लाती है। फिर वो उन दोनों भाइयों के पास जाती है जहाँ सबसे पहले वो रेड को मारती है। रेड जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। रेड का भाई दूसरी लड़की को बेसमेंट में ले जाने के लिए तैयार कर रहा था। एम्बर उस पर भी हमला करती है, लेकिन वो एम्बर को नीचे गिरा देता है और बड़ी बेरहमी से उसका पैर तोड़ देता है। दूसरी लड़की वहां से भागने की कोशिश करती है, पर रेड का भाई उसे पकड़कर बालकनी से नीचे फेंक देता है, जिसकी वजह से वो बेचारी मारी जाती है। फिर रेड का भाई एम्बर को खींचकर बाहर लाता है और जोर से उसका गला दबाता है, लेकिन एम्बर के हाथ में एक कांच का टुकड़ा होता है जिससे वो उसके गले में वार कर देती है, जिसकी वजह से रेड का
भाई जख्मी होकर वहीं गिर जाता है। फिर एम्बर उस हथियार से उस पर काफ़ी बार वार करती है और उसे मार मार कर उसकी जान ले लेती है। इसके बाद वो रेड को लेकर बेसमेंट में आती है और उसे वहीं पर लेटा देती है। तभी उस बॉक्स में से वो अजीब सा क्रिएचर बाहर आता है और वो रेड के सर को अपनी बॉडी में घुसा लेता है और उसका सर धड़ से अलग कर देता है। फिर एम्बर वहां से बाहर चली जाती है। बाहर आके वो पाती है कि उसका टूटा हुआ पैर बिल्कुल ठीक हो गया है और उसके जो चोट के निशान थे वो भी अब ठीक हो रहे थे, साथ साथ उसकी आंखों का रंग भी चेंज हो रहा है। असल में ये बॉक्स वही बॉक्स होता है जो मूवी की शुरुआत में मेक्सिको में खुदाई करने पर निकला था और ये बॉक्स रेड के फादर को मिला था। उस बॉक्स में एक भूत था जिसने रेड के फादर की बॉडी पर कब्जा कर लिया था। रेड के फादर ने वही सब कुछ किया जो उस क्रिएचर ने उनको करने को कहा और उनके बाद रेड के भाई ने वो सब कुछ किया क्योंकि उस भूत ने रेड के भाई को अपने वश में कर लिया था। अब रेड का भाई मर चुका है इसलिए उस भूत ने एम्बर पर अपना कब्जा कर लिया है। अब यहाँ पर वो क्रिएचर एम्बर से वो सब कुछ करवाएगा। मूवी का यहाँ अंत होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।